सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, हम भी अच्छे। आज जुमा है, सबको जुमा मुबारक। तो आज हम लोग जुमा पढ़ने इज्तिमा जा रहे हैं, तो इज्तिमा का एक और शॉर्ट रास्ता है, जा सकते हो। वैसे तो बाहर से जो लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, उनके लिए गाड़ियों का इंतजाम है, यहाँ मोड़ से गाड़ी छोड़ने जाएगी इज्तिमा गांव तक। तो गाइस यहाँ इंतजाम हो चुका है सारा चीज, जितना भी खाने पीने का, बाहर के आदमी जितने भी आएंगे, गाड़ी हम लोग यहाँ कमेटी की ओर से दिया जा रहा है। चलते, अगर आप गाड़ी से आए तो थोड़ा सा आगे से आप मुड़ सकते हैं, और पैदल आए तो आप ऐसे ही कहीं भी चढ़ सकते हैं। और वो अमला ताल है, जिला परिषद सौराब के घर के पास से ही जाने का रास्ता है, जो अमला ताल का रास्ता है वहीं से जाने का है। चलिए दिखाते हैं, वहाँ बोर्ड भी लगल है, रास्ता आपको मेन मेन क्लिप दिखाते हैं। उतना टाइम नहीं है, उतना बड़ा ब्लॉग नहीं बनाना है कि 20-25 मिनट का बन जाएगा। आगे वाला रास्ता तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, और एक रास्ता दिखाते हैं आप सभी को। इधर से बहुत ही शॉर्ट पड़ेगा, अगर आप गोविंदपुर धनबाद इधर से आ रहे तो सबसे इज्तिमा का बोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर चलते हैं हम लोग। इधर से रास्ता है, ये ईदगाह से भी बाय रोड आ जाना सभी को, बाय टू बाय रोड, इधर से उधर नहीं है थोड़ा भी, सीधा सीधा जाना है, सीधा सीधा आना। चलिए दिखाते आपको रास्ता, देख सकते हैं इधर से भी रास्ता है, पर इधर से बाय रोड जाना है आप सभी को, बाय रोड जाना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी भी बहुत दूर है, लेकिन आपको यहाँ पर ही मैं दिखाते हैं कि आपको एकदम इसमें भी सीधा ही जाना है, इधर उधर कटना नहीं है। जो मस्जिद या कौन चीज़ है उधर से जाना है, सीधे जाना है डैम के रास्ते, इधर नहीं जाना है, इधर भी एक रास्ता है, इधर नहीं जाना है। चलिए इधर नहीं जाना है, इधर से ही जाना है आप सभी को। चलिए दिखाते हैं आपको रास्ता, से भी चलते हैं, ये रास्ता देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको बाय रोड जाना है डैम के रास्ते, इधर उधर नहीं कटना है। चलिए गाइस चलते हैं और आगे, अमला ताल के रास्ते में यहाँ से आपको सीधे चले जाना है। चलिए दिखाते हैं इज्तिमा आगे, वो दिख रही होगी यहाँ पर ही है भाई, वहाँ पर ही, यहाँ नहीं, उससे भी आगे। देखिए गाइस यहाँ से लगभग सुबह 48 को बस पार हुआ है, सिर्फ बिहार से 48 को बस आया है, सोच लीजिए सिर्फ 48 को, भाई साहब 48, वहाँ से पूरा का पूरा रास्ता एकदम ही कर दिया है, रास्ता बना दिया। पहले बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, जोरिया खुदिया वो था यहाँ पर डैम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पूरा एकदम रास्ता बना दिया, क्लियर रास्ता, कोई बोल नहीं सकता कि यहाँ पहले रास्ता नहीं था, इतना एकदम काम होता ना, माशाल्लाह क्या काम है। चलिए गाइस चलते हैं जल्दी, 3 करोड़ का लाइट लगा गाइस, देख ही सकते हैं हर पेड़ उड़ में, सब में लाइट लगा हुआ है, ने गौर किया होगा तो देखते हैं कितना 1000 square feet में बना है, देख लीजिए गाइस उधर है 6-7 हज़ार square feet में शायद बना है। चलिए गाइस यहाँ पर भी काम हो रहा है, माशाल्लाह नहा रहे, और यहाँ पर ही मतलब कि मेहमानों के लिए इंतजाम किया गया है पानी वगैरह का, और आगे से आपको रास्ता भी दिखाते हैं, माशाल्लाह क्या रास्ता है। चलिए चलते हैं, बहुत ही मस्त, पहले यहाँ बाइक नहीं पार हो सकता था, अभी 4-wheeler घुस जा रहा है, जमात के साथ ही वगैरह यहाँ पर ही नहा रहे हैं, भीड़ हो भाई सब, इतना भीड़ भाई, ये देख सकते हैं रास्ता, तो जान के लिए रास्ता बोल दिए, पूरा एकदम पूरा ब्लॉक हो चुका है, पानी का एरिया, पाइप लगा दिए नीचे, ये पानी भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए ना। देख सकते हैं यहाँ पर कपड़ा वगैरह,
चप्पल वगैरह बेच रहे हैं। चलते रास्ता देख सकते हो, पानी उठाया जा रहा है, पानी कंप्लीट ऊपर ले जाया जा रहा है, देख सकते हैं। माशाल्लाह क्या ही रास्ता है भाई, इतना चौड़ा ट्रैक बस पार हो जाए। 48 बस आया भाई, 48 बस बिहार से सिर्फ। अभी और कितना आएगा, और भी बस निकल रहा है, लोग तो सुबह आया था। चलिए चल के देखते हैं रास्ता, अब सभी को ये रास्ता नहीं दिखाए थे, वहीं से घूम गए थे हम लोग। अगला बार तो पेड़वे के पास से घूम गए थे। हाँ आए थे ब्लॉग, जगह मस्त भाई। जुम्मा पढ़ने चलिए दिखाते कितने आदमी जुम्मा पढ़ते, कितना ही भीड़ रहता है, सभी को दिखाते गाइस। बहुत भीड़ रहेगा, इज्तिमा पहली बार हो रहा है झारखंड में पूरा। अभी कितना दिन बाद आए, नहीं आए कहना मुश्किल है, इज्तिमा बार बार नहीं आता है। और ऐसे में आप सभी लोग इज्तिमा जरूर आए, जितने भी झारखंड के लोग हैं, झारखंड बिहार वगैरह के सामने के लोग हैं, वो जरूर से जरूर आए आप इज्तिमा में, कि बार बार नहीं आता, ये एक मौका जाएगा और कब तक नहीं आएगा कहना मुश्किल। हम लोग जब तक रहेंगे तब तक आएगा भी कि नहीं पता नहीं। अरे भाई साहब छोटा ट्रैफिक है, आगे देखिए, ये तो छोड़िए ना, आगे देखिए वहाँ पर कितना बस सब खड़ा है, वहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग इतना बड़ा है ना भाई, एक मोहल्ला पार है। कितना आदमी आएगा कहना कह नहीं सकते, भीड़ देख सकते हो भाई साहब। चलिए चलते, आपको इज्तिमा का रास्ता मिल ही गया होगा, आप लोग आइए जरूर। इस्तिंजा खाना बैतुल खुला यहाँ है, इस्तिंजा खाना ही यहाँ, वजू खाना भी ये देख सकते हैं, पानी का फुल इंतजाम है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, देख ही सकते हैं। और तो छोटा मोटा भी आगे देखिए ना, उधर भी कितना इस्तिंजा खाना बैतुल खुला है, नहाने का टंकी उनकी बहुत ज़्यादा लगा है, पाइप देख सकते हैं बहुत, और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं गाइस, पूरा भरा हुआ है। तो इज्तिमा में कितना भीड़ होगा, अभी तो मेहमान आए नहीं है बिहार ही, और जा सकते गाइस, भीड़ है, कुछ दिखाते हैं भीड़ देख सकते हैं। और सुनिए यहाँ तकरीर, सुनिए गाइस, बहुत मस्त तकरीर हो रहा है, भीड़ देख सकते हो गाइस, बराबर सवाब उसके लिए सवाब लिख दिया जाता है। सवेरे चलते थे, इतने सवेरे चलते थे कि आता है तो ये खाली है उसको फुल करें, इसको भी पूरा करना होगा, इसको भी इस सबको पूरा कर लेना होगा, सबको दुरुस्त करके फिर करना। तो गाइस नमाज पढ़ दी और चलते हैं, और क्या ही बोले गाइस, इतना बस था परेशान हैरान हो के गाइस, क्या बोले, इतना बस एक साथ लगा हुआ था ना भाई, आपको रात को दिखाते बस का व्यू, बहुत ज़्यादा बस, बहुत देख के ही बहुत खतरनाक भाई साहब, इतना मस्त, इतना भाई साहब क्या ही फील था भाई। ब्लॉग पे यही एंड करते हैं, बाद में दिखाते आपको और ब्लॉग, रात का भी ब्लॉग अलग से आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा और